अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज फिर आपके साथ एक न्यू व्लॉग के साथ काफ़ी टाइम के बाद जो हूँ मैं हाज़िर हुई हूँ। यहाँ पर जो है वो दिन है फ्राइडे का और यहाँ पर मैं कर रही हूँ तस्वीर। मैंने जो है वो पूरे रूम के अच्छे से क्लीनिंग, चादर वादर शीट चेंज करना, सोफ़े की डस्टिंग वगैरह और उस पर चादरें वगैरह लगाना मैंने कर दिया और यहाँ पर बैठ के मैं आराम से तस्वीर कर रही थी। तो देखिए साफ़ सुथरा घर कितना प्यारा लगता है और जब गंदा हो जाता है तो उससे भी ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ रात का वक्त है और यहाँ हम जा रहे हैं बाहर थोड़ी सी मतलब आउटिंग के लिए और फिर रात का वक्त शुरू होता है। रात को मतलब हमारा लीडो टाइम शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो है वो लीडो खेल रहे हैं और मेरा भाई जो है हमेशा की तरह हमें हराते हुए बहुत बुरे तरीके से हराता है, जीतता ही नहीं देता हमें। पता नहीं, बस एक्सपर्ट बोलते हैं लीडो का उसे हम। तो यहाँ पर देखिए ज़रा ये प्यारे से फ्लावर्स, ब्यूटीफुल से फ्लावर्स रखे हैं। पता नहीं बोतल किसने रखी है इसके आगे, असल में मैंने ही रखी थी और ये वीडियो में अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं फ्लावर्स। और ये रात का वक्त है, नेक्स्ट डे है सैटरडे और ये रात का वक्त है। यहाँ पर जो है धनिया कट रहा है, रात खाने की तैयारी हो रही है और आज बनाया है खाने में हमारे घर पर कोरमा, जो कि मेरी आपी ने बनाया है। और मैं जो हूँ बना रही हूँ रोटियाँ, मैं जो रोटी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए आपकी धनिया काट रहा है, मैं बहुत ही साइड पे हो जाए, जल्दी से मुझे वीडियो बनानी है, रोटी की वीडियो बनानी है, ज़रा साइड पे हो जाए। तो ये देखिए ज़रा यहाँ पर जो है मैं सुस्ती और काहली और जो है उसके साथ रोटी बनाते हुए, और पहले जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू की थी रोटियां तो बड़े हाथ चलाए थे स्टार्टिंग में शुरू में। अब तो चलो आदत हो जाती है, पता चल गया रोटियां कैसे बनती है। मैं जो मेरी रोटी फूलती इसलिए क्योंकि मैं दोनों साइडों को ना हल्की आंच पे सेकती हूँ और उसके बाद जब वो अच्छे से सिक जाती है तो उसके बाद मैं आँच तेज़ करती हूँ, उसके बाद तवा हटा के और चूल्हे पर डायरेक्ट रोटी को सेक देती हूँ, जिससे रोटी जो है ना बड़ी मज़ेदार सी फूली फूली सी होती है ना, फूल के टाइप जैसे फूलते हैं वैसी वाली रोटियाँ बन जाती हैं। अच्छा यहाँ पर ना मैं बोलती हूँ ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, मतलब क्या फास्ट फॉरवर्ड करो, मिनटों में रोटियां तैयार हो जाएं, आपको कोई मतलब मेहनत ना करनी पड़े। काश कोई ऐसी चीज़ होती ना कि आटा गूंदना ना पड़ता, बस रोटियां बना लो। आटा गूंदने से ना बड़ी जान जाती है, रोटियां बनाने में कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं रोटियां बनाते हुए रोटी पर आटा गूंदने की ना कोई मशीन ज़रूर होनी चाहिए। और रोटियां बना रही हूँ मैं, रोटियों को जो है वो अच्छे से दोनों तरफ से दिखा रही हूँ, कोई इतनी हल्की आंच में मैं सेकती हूँ दोनों तरफ से, उसके बाद जो है रोटी अच्छे से फूल जाती है। और फिर जो शुरू होता है रात का वक्त, हमारे यहाँ की सड़कें बहुत ख़राब हैं और ये जो है बनना शुरू हो गई, कारतूल वगैरह डल रहा है और इंशाल्लाह ये सड़कें जो है वो तैयार हो जाएंगी, बन जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।